अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके साथ एक रेमेडी लेकर आई हूँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं थोड़ी सी आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस वाली बात शेयर करना चाहती हूँ। जब जैसा कि आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे हस्बैंड के 2 ऑपरेट हुए हैं, तो जो पहला ऑपरेट हुआ था वो हुआ था 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल को उनका ऑपरेट हुआ था और उसके 1.5 महीने के बाद मेरे हस्बैंड की रेडिएशन स्टार्ट हो गई थी। तो जब रेडिएशन स्टार्ट हुई तो जो है मुझे उनके साथ जाना पड़ता था, और तब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी जून के मंथ में कि मेरे हम बाइक पर जाते थे तो मेरे हाथ और पैर जलते थे, बकायदा बहुत ज़्यादा जलते थे जब मैं धूप में उनके साथ जाती थी। तो उस वक्त मेरे हाथों का कलर बहुत ज़्यादा डल हो गया था क्योंकि मुझे सन बर्न हो गया था और धूप ने मेरे हाथों को बहुत इफ़ेक्ट किया था। तो उस वक्त मुझे जाहिर है एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए उसके हाथ पैर, उसका चेहरा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और मुझे बहुत बुरा लगता था जब मेरे हाथ बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हो गए थे। तो मैंने एक रेमेडी अपने लिए यूज़ की थी और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ। और इसका अगर मेरी आप पिछली वीडियोज़ में जाएँ जो मैंने कुकिंग की वीडियो बनाई है, तो आपको स्टार्ट की वीडियो में आपको पता चलेगा, आप मेरे हाथों का कॉम्प्लेक्शन देखें उसमें और उसके बाद अभी देखें आप, तो बहुत फ़र्क है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या हमें इस्तेमाल करना है। ये हमें एक पैक बनाना है। 2 चम्मच लेंगे हम बेसन, जो कि हर घर में मौजूद होता है, और बेसन के बहुत से फायदे हैं। ये कलर फेयर करने के भी काम आता है, एक्ने के लिए भी काम आता है। 2 चम्मच भर के मैंने ले लिया बेसन, ठीक है। अब इसमें मैं दही ऐड करूँगी। कितना ऐड करूँगी? 2 टीस्पून, 2 टेबल स्पून मेरे पास बेसन है, और 2 टीस्पून हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे, ठीक है, और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर ये कुछ गाढ़ा होता है तो हम इसमें थोड़ा सा और योगर्ट डाल देंगे, ठीक है। ये देखेंगे मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मुझे इसमें 3 टीस्पून के करीब डालना पड़ेगा। इसी से हम इसका थोड़ा सा थिक सा टेक्सचर बनाएंगे। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे है हमारे पास हल्दी, जो हमें चुटकी के करीब डालनी है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। देखें ये चुटकी हमने इसमें हल्दी ऐड कर ली। उसके बाद हमारे पास है ये लेमन, और जिनको लेमन से जो है वो इचिंग होती है, एलर्जी होती है, कोई भी लेमन का इशू है, तो आप लेमन स्किप कर दें, आप मत ऐड करें। मुझे कुछ नहीं होता, मेरी स्किन जो है वो लेमन को अच्छे से एक्सेप्ट करती है, तो मैं ये पूरा का पूरा लेमन इसमें ऐड कर दूँगी। इसके सीड्स हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए पूरा लेमन मैंने इसमें ऐड कर दिया। हम इसे अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, और इसमें फिर हम लास्ट में ऐड करेंगे विटामिन ई कैप्सूल। ये आपको हर जगह मिल जाएंगे आराम से। देखिए नज़र आ रहा है आपको, इसके मैं 2 कैप्सूल ऐड करूंगी इसके अंदर। हमें अच्छे से पूरा का पूरा डाल देना है। ये एक गया, अब ये विटामिन ई आपको आपकी स्किन को फेयर करता है, ग्लो देता है। ये देखिए ये कैसे बन गया,
आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये बन गया। अब इसे अप्लाई आपको कैसे करना है, यू कैन यूज योर हैंड, यू कैन यूज ऑल्सो ब्रश, ये चॉइस आपकी है। अब मैं आपको अपने हाथ पर बताती हूँ। अब आप मेरे हाथों को देखें, और मेरी प्रीवियस वीडियो में आप मेरे स्टार्ट की वीडियोस को देखें तो आपको फर्क पता चल जाएगा खुद कि मेरे हाथ कितने ब्लैक हो गए थे, कितने डार्क कलर के हो गए थे। और ये मैंने हफ्ते में 3-3 दफ़ा यूज़ किया है। अच्छा, आप इसे अपने चेहरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं। चेहरे पर अप्लाई जब करेंगे तो इसमें से लीमू आप हटा दीजिएगा, क्योंकि लीमू हमारे चेहरे पर सूट नहीं करता बाजू का। आई कैन यूज विद माई हैंड, इस तरह से अच्छे से आप इसे लगा दें पूरे हैंड पर। और अभी से आपने ड्राई करने के लिए रखना है। जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं होगा आप इसे हटाएंगे नहीं, बिल्कुल भी आप इसे नहीं हटाएंगे। ये अगर आप चेहरे पे लगाएंगे तो आपकी स्किन को इतना ग्लो देगा, बहुत ग्लो देगा। और मैं ऐसे ही नहीं ये बात कह रही, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी अपने साथ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। मैंने इसे तकरीबन 2 मंथ्स यूज़ किया है, तो कहीं जाकर इसने मेरे हाथों को बहुत बेहतर किया है। ऐसे तो हम बाहर की क्रीम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और वो जल्द आपके हाथों पैरों को गोरा तो कर देगी लेकिन बाद में वो स्किन को ख़राब भी करती है। और ये जो घर के इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर ये आपको फ़ायदा नहीं देते तो ये आपको नुकसान भी नहीं देते, लेकिन इसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है। ये टोटल आपके पास 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, 5 बेसन, आपका दही, विटामिन ई कैप्सूल, और जो है वो लेमन एंड थोड़ी सी हल्दी। हम अब इसे रिमूव कर देंगे, पर आप थोड़ा ड्राई करने के बाद रिमूव कीजिएगा। मैंने थोड़ा सा ड्राई करने के लिए छोड़ा है, ज़्यादा नहीं। आप इसे फिर अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। और ये देखें, ये है मेरी शिजा, आकर बैठ गई है। आप क्या बोल रही हैं शिजा, बात करें, सलाम करें, सलाम करें ना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलते, अस्सलाम वालेकुम बोलते। यस, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, या थोड़ी थोड़ी ठीक है? ठीक है। अच्छा बस चुप, ये मैंने हटा दिया है, और वॉश करने के बाद आपको पता चल जाएगा इसके रिजल्ट्स। और बहुत अच्छा है, आप यूज़ करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने यूज़ किया या नहीं किया, या आपको अच्छा लगा या नहीं। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी और चीज़ के साथ, किसी और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।